हाय गुड इवनिंग नमस्कार काल मैं डॉक्टर प्रमोद कारगिल परिवार के तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आज उन सभी हेल्थ वर्करों जो कि आज कोविड के कंडीशन में सभी अपना पूरा का पूरा फोकस करके देश को बचा रहे हैं उन सभी को मैं सल्यूट करता हूं और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में और हीट स्ट्रेस से क्या प्रॉब्लमें है होती हैं और गर्मी का टाइम आता है तो उससे क्या क्या लॉसेस होते हैं क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं ये सारे चीज़ हम आप सबसे डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस होता क्या है हीट स्ट्रेस में हम मैनेज कैसे कर सकते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और फार्म मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए हम डिस्कशन करेंगे तो हम आ, सबसे पहले डेस्टेस्ट के बारे में जानेंगे और उसके होने वाले मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट करते हैं पर उन सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस टाइम जो कंडीशन चल रही है तो उसके लिए हम कैसे सेफ रह सकते हैं कैसे अपने आप को बचा सकते हैं अपने फैमिली को बचा सकते हैं तो इन सब के लिए सबसे जरूरी मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे लोग अपना वैक्सीनेशन कर सकें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें या अपना पूरी तरह से अपनी फैमिली का परिवार का ध्यान रखें अपना खुद रखें क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे और ये सारी चीजें फॉलो कर रहे होंगे आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आपके हीट लोड क्या होता है हीट स्ट्रेस क्या होता और क्या है और उससे आने वाली प्रॉब्लमें क्या होती हैं और उससे क्या होता है हम उसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं उससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं हम फार्म मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं न्यूट्रीशन मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम फोकस करेंगे कि आपकी उसमें आपकी समरी क्या होती है सबसे पहले हम जानेंगे कि 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 हीट 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 स्ट्रेस 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 आखिर होता होता क्या हीट हम जानने के लिए सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसी भी एनिमल से को, कोई भी बॉडी होती है या किसी भी पर, एनिमल की बॉडी होती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है जो अपने चारों तरफ का टेम्परेचर होता है एक होता है खुद के बॉडी का टेम्परेचर वो कैसा जनरेट करता है या कैसे उसमें करता है एक तो आपका कोई भी एक्टिविटी करते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं या एनिमल चलता है फिरता है उससे कुछ टेम्परेचर जनरेट होता है एक होता है जो इन्वायरमेंट से आता है आपका टेम्परेचर की इन्वायरमेंट से टेम्परेचर आ रहा है तो वो का उसमें से भी आपका सारा का सारा आप आ, होता है इन द केस कोई भी आ, सन के सन रेज के थ्रू आ रहा है आपके कोई भी आपके से आ रहा और साथ में एनिमल पे देखते हैं एनिमल पे अगर देखते हैं तो सबसे क्लियर है कि एनिमल पे बॉडी पे एक्टिविटी गर्मी के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल आपके हाँपने लगते हैं या बहुत सारी एनर्जी आपकी वेस्ट होती है तो इन सबसे चीजों में से देखते हुए आप इस स्लाइड से देख सकते हैं या इस ग्राफ से देख सकते हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि 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 आप हीट 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 स्ट्रेस 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 को समझे होता क्या टेस्टेस वो चीज होती है कि सबसे पहले जो भी एनिमल के बॉडी में एब्जॉर्ब होता है इन द केस कोई किसी भी बे में रेडिएशन के थ्रू आपने जो भी मान लो सन रेज से आपको कोई भी एनर्जी आई हुई है या कोई ऐसे कर सकते हैं शेड से भी एनर्जी आई हुई है या आप कह सकते हैं कि कंडक्शन कि इन द केस कोई भी आपके आ, एनिमल जब सरफेस पे बैठता है ज़मीन पे बैठता है तो जमीन के थ्रू भी एनिमल को गर्मी में एनर्जी मिलती एनर्जी एनिमल के बॉडी पे आता है इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो एनिमल के टच से होता है तो उससे एनिमल की बॉडी में एनर्जी आता है साथ साथ उसके खुद की एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबोलिक एनर्जी जिसको होते है बॉडी की एक्टिविटी करने से या उसके चलने से या उसके फिरने से भी एनर्जी होती है पर साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एनिमल के जो बॉडी से एनर्जी निकलती है वो जरूरी होती है कि एनिमल के बॉडी से निकलती किस वे में जितना एनर्जी आप एनिमल अगर ले रहा है उससे अगर ज्यादा बॉडी बॉडी वेट में एनर्जी हो रहा है तब उस कंडीशन में एनिमल स्ट्रेस में जाता है इन द केस कोई भी एनिमल होता है आप देखते होंगे गर्मी में कोई भी किसान भाई आप सब खुद देखते हैं कि आपका जब गर्मी होता तो एनिमल आपके बहुत ज्यादा हाँपने लगता है एनिमल से आपका पेंटिंग बहुत ज्यादा करता है बहुत ज्यादा जीव निकाल के हाँपता है साथ साथ अब बहुत सारी चीजें होती है रेडिएशन से निकलती है कंडक्शन से निकलती है पर इन सब चीज चीज से आप हम देख सकते हैं कि इसमें से कि आपका सबसे ज्यादा जरूरी है क्या हीट के लिए आप जान सकते हैं कि एक तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है जो कि चारों तरफ के अपने तरफ एनिमल के होता चाहे शेड का टेम्परेचर हो चाहे आपके के कोई ट्री का टेम्परेचर हो साथ साथ जो भी एनिमल के बॉडी से जनरेट हो रहा मेटाबॉलिक मेटाबोलिक टेम्परेचर हो या कोई भी एक्टिविटी हो जिससे वो चल रहा एनिमल चल रहा घूम रहा फिर रहा खा रहा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उससे बॉडी में टेम्परेचर आपका जनरेट होता है इसके साथ साथ बात करें अगर आपके एनिमल से बॉडी टेम्परेचर निकलते कैसे है कि आपकी बात करें अगर रेडिएशन से भी निकलते हैं एनिमल्स के बॉडी से टेम्परेचर साथ साथ उसके जो भी बॉडी सर्फेस होते हैं उसके कोई भी एनिमल के स्वेटिंग से निकलती है पसीने से निकलती है साथ साथ जब जीव निकाल के हाँपता तो उससे बहुत सारी चीजें एनर्जी आपकी निकलती है पर हमें इसमें देखने लायक ये है कि हीट लोड होता क्या हीट लोड हम बात करें कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आया है या बाहर का टेम्परेचर है और साथ साथ बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है यह सारी चीजें आपको देखने को मिलता है साथ साथ उसके साथ साथ अगर हम बोलते हैं हीट स्ट्रेस कब होता है पशु का हीट स्ट्रेस तभी ही होगा जबकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर और साथ में चारों तरफ के इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उतना हम जितना हमें बॉडी में गेन हो रहा है या मिल पा रहा उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आपके हीट स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है ये तब बढ़ जाता है जब टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है साथ साथ आपके ह्यूमिडिटी उमस जिसको बोलते हैं अगर उमस बहुत ज्यादा होती है तब भी उस कंडीशन में आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण से आपको एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है साथ साथ अब हम आप देखेंगे कि क्या हो थर्मल हीट इंडेक्स क्या होता है या कह सकते हैं रेक्टल रेक्टल टेम्परेचर और साथ में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या होता है सबसे ज़रूरी हमारे जानने के लिए क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आप देखते होंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हो भी आपका उसके हिसाब से आपका काफ़ी बढ़ जाता है जब बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है उससे टेम्परेचर बहुत हीट जनरेट होती है और सबसे सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है उमस ह्यूमिडिटी जब ह्यूमिडिटी भी साथ में बढ़ती है और साथ में आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है तो उस कंडीशन में आप देख पाते होंगे कि आपकी जो प्रॉब्लमें होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आप उससे फार्म में निकाल सकते हैं आप किसी भी फार्म में अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स आपको निकालना है तो आप बेड बल्ब थर्मो टेम्परेचर आप यूज कर सकते हैं या ड्राई बल्ब टेम्परेचर यूज करके आप थर्मल हीट इंडेक्स के आप निकाल सकते है. हैं। इसके बाद आप आ, आ, आपका मोबाइल में आता है कैलकुलेटर आता है साथ में ह्यूमिडिटी इंडेक्स आप निकाल सकते हैं आप फार्म का का टेम्परेचर आप डाल सकते हैं साथ साथ आप रिलेटिव इंडेक्स आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाल सकते हैं तब भी आपको टेम्परेचर आपको शो हो जाएगा इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि को जब भी एनिमल का हीट स्ट्रेस बढ़ता है हीट टेम्परेचर बढ़ता है या वो आपका तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि जब भी एनिमल का फिजियोलॉजी चेंज होने लगती है बॉडी का टेम्परेचर में क्या होता है जो उसके शरीर के चारों तरफ है जो कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं जिसको जो चारों तरफ उसका जो क्या होता है उसका गर्म ज़्यादा होने लगता है साथ साथ क्या होता है जो उसके चारों तरफ शरीर में होता है जो खून का दौड़ान होता है वो बॉडी के चारों तरफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या होता है जो इंटरनल सेल्स होती है वो काफ़ी आपके डेड uh, हो जाती है जिससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है और साथ में आपका एसिडोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है साथ में एनिमल को लेमनेस की प्रॉब्लम होती है पर इन सब चीजों के साथ साथ आपका रिस्पायरेसन रेट भी बहुत बढ़ जाता है या बोलता है एनिमल बहुत ज्यादा हाँपने लगता है तो उस कंडीशन से आपको बचाने के लिए सबसे ज्यादा उससे क्या होता है एनिमल सलाइवेशन करने लगता है सलाइवेशन क्या होता है क्या होता है कि आपका एनिमल जीव निकाल के बहुत ज्यादा हाँपता है उससे क्या होता है आपका ड्रूलिंग होता है कि एनिमल आपको जिससे जो भी आपका इन द केस आपका सलाइवा बन रहा है या लार बन रही है वो आपके बॉडी से ज्यादा से ज्यादा निकलने लगती है उससे आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है उसके साथ साथ एनिमल का जो जुग, जुगाली तो जुगाली की बात करें तो भी एनिमल का आपका बहुत ज्यादा कम कम हो जाती है साथ 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 जुगाली कम होने के आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है साथ में फैट और एसनेप की प्रॉब्लम आपको फार्म पे बढ़ जाती है इसके साथ साथ क्या करता है एनिमल के जो एनिमल को जितना भी ड्राई मेटर्न टेक होना चाहिए या ड्राई मेटर एनिमल को लेना चाहिए वो एनिमल का ड्राई मेटर्न टेक उतना नहीं हो पाता की प्रॉब्लम होने के कारण देखते हैं जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है जो पशु की खुराक होती है जो पशु जितना खाना चाहिए वो उतना पशु खा नहीं पा सकते साथ साथ उसमें आप देखते होंगे कि उसका जो फैट है उसका फैट भी आपका बहुत ज्यादा गर्मियों में देखते होंगे कि जो फैट की इशू है या स्नेप का इशू वो आपका बहुत ज्यादा से आपका कम हो जाता है इसके साथ साथ करें कि अगर इन द केस आपको देख रहे हैं बहुत सारी चीजें होती है गर्मी में जो हमको दिखती है पर बहुत सारी चीजें होती है जो हमको नहीं दिखती है अगर देखने वाली बात करें कि सिर्फ आपको सिर्फ देखना कि कौन कौन सी चीजें हमको दिखती है तो सबसे पहले हमको जितनी भी गर्मी आती है जब आपके मई मंथ में करे या जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है या उमस बढ़ती है तब भी आपको ये सारी चीजें देखने को सबसे पहले हमको देखने को जो मिलेगा वो हमारा दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है जब दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो और साथ साथ पशु का इंटेक जिसको हम बोलते हैं ड्राई मेटेल ड्राई मेटेल इंटेक जिसको बोलते हैं खुराक वो आपकी खुराक भी पशु खा लेना बंद कम कर देता है आपको साथ साथ क्या होता कि जो उसका वाटर की लेने की कैपेसिटी है पानी पीने की कैपेसिटी वो आपकी बढ़ जाती है इसके साथ साथ पशु जो रिस्पायरेशन होता है जो हाँफने वाल का होता है हाँपना एनिमल आपका ज्यादा से ज्यादा पशु हाँफने लगता है और इसके साथ साथ क्या होता है गर्मी में आप बहुत सारे कॉन्फिडेंस देखते होंगे कि बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता है या फार्मर्स का भी कॉल आता है कि हमारे एबॉर्सन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं गर्मी में कभी किसी को सिक्स मंथ का एबॉर्शन हो रहा है या सेवन मंथ का एबॉर्शन हो रहा है जो कि आप बच्चे फेंकने के बोलते हैं कि आपका बच्चा फेंक देता है तीसरे मंथ में एबॉर्शन होता है अर्ली मोर्निंग डेथ हो जाने के चांस आपको ज्यादा से ज्यादा होता है और इससे देखते होंगे जब भी एनिमल ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो पूरा का पूरा एनिमल अपना बॉडी को मेनटेन करने के

बात करें तो पचास से साठ परसेंट रहता है पर इस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में की बात करें अगर रिप्रोडक्शन किया गब्बन की तो आपके बहुत कम होता गब्बन का रेशियो बहुत सारे कम हो जाता है इसके साथ साथ देखें कि जो प्रेगनेंसी रेशियो है या गब्बन के रेशियो की बात करें वो भी हमारा बहुत कम हो जाता है इसके साथ साथ क्या होता है जो आपका अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये मंथ होते हैं कि जहाँ पे हम का, जो गब्बन के रेशियो होते हैं वो आपके बहुत ही कम होते हैं सभी देखते होंगे कि, कि इस सीजन में जो भी सीजन होता है नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसमें जो गब्बन के चांस मोस्टली होते कि आपका अक्टूबर से लेके आपके मार्च मंथ तक गब्बन करा लेना चाहिए इसके बाद जो गब्बन के रेशियो तो बहुत से कम होते इसमें क्या होता है आपके एनिमल के जो गर्मी अगर एनिमल बहुत ज्यादा गर्मी मना रहा है एनिमल तो उस कंडीशन में आपको एनिमल की डेथ भी हो जाती है साथ साथ क्या होता है स्किन आपकी स्किन ग्लो जो होना चाहिए स्किन आपका अच्छा होना चाहिए वो भी आपके एनिमल पे आपको नहीं होती एक इसके साथ साथ जब गर्मी बढ़ती है तो आप देखते होंगे गर्मी के साथ साथ या आपको तो उससे एक आपको इंसिडेंस देखते होंगे कि जैसे गर्मी बढ़ती है तो आपके लेमनेस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है आपके फार्म पे क्योंकि लेमनेस के प्रॉब्लम का बहुत सारे चीजें क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में क्या होता है जब भी गर्मी बढ़ती है तो एनिमल ज्यादा से ज्यादा खड़ा होने की कोशिश करता है मतलब एनिमल जितना खड़ा क्योंकि खड़ा होंगे तो क्या होगा उससे जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका मेंटेन करता है क्योंकि अगर जमीन में बैठेगा तो जमीन के सरफेस होता है ना जमीन का सरफेस होता है उससे क्या होता है जो आपके जितनी बॉडी निकलनी चाहिए हीट वो आपकी हीट नहीं निकल पाती जिस कारण से एनिमल खड़ा हो जाता है जब एनिमल खड़ा होते हैं तो खड़ा होने के साथ एनिमल डे दिन में ज्यादा चांसेस होते हैं आगे खड़े होने की जब भी ज्यादा खड़े होंगे तो उससे क्या होगा जो लेमनेस की प्रॉब्लम है वो आप धीरे धीरे क्योंकि प्रेशर पड़ेगा आपके पैरों में प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होगा लेमनेस की प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा उस टाइम आपको आएगा तो आप देखते होंगे जब ये आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा उमस ज्यादा होती है या आपकी गर्मी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे हमेशा जो या तो ट्रांजिशन पीरियड में एनिमल होता है जब पशु वाला होता है उस कंडीशन में आप देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा लैमनेस की प्रॉब्लम या खुरो की खुरो की प्रॉब्लम आपके फार्म पे ज्यादा से जाते रहती है, है तो उस कंडीशन में आप ज्यादा मेंटेन करने के लिए आप यही कह सकते हैं जो फार्म का मैनेजमेंट है वो आप बढ़िया कर सकते हैं जैसे फार्म का मैनेजमेंट आपका बढ़िया होगा तो उससे क्या होगा आपके एनिमलों पर खुरो की प्रॉब्लम भी कम से कम आएगी इसके साथ-साथ हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि एसिडोसिस की बात क्योंकि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है एसिडोसिस की प्रॉब्लम बढ़ती है एसिडोसिस की भी प्रॉब्लम बढ़ती है तो उससे क्या होता आपको आपको लैमनेस की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्या होता है ना आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है एनिमल अपना फिजियोलॉजी बैलेंस करने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपका रिस्पायरेशन बढ़ा देता है या सांस लेने की क्षमता को आपको बढ़ा देता है जब भी सांस आपका बढ़ाता है तो उससे क्या होता है ना आपका जो देखते होंगे आपका पूरा का पूरा बॉडी आपका जीव निकाल के बाहर आपका पूरा स्वेट मतलब करता है साथ में पेंटिंग करता है साथ में क्योंकि क्या होता है उससे क्या होता है आप ड्रूलिंग देखते होंगे कि उससे जो सलाइबा होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है तो सलाइबा में बहुत सारे आपके आयंस होते हैं जो बफर का इफेक्ट करते हैं तो वो चीज आपको जब नीचे गिर जाते हैं तो वो क्या होता है बॉडी में अंदर या शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। जिस कारण से धीरे धीरे क्या होता है उस कंडीशन में और इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि गर्मी में ड्राई मेटर इनटेक भी कम हो जाता है तो जब ड्राई मेटर इनटेक कम होता है और साथ में आपका सलाइवा में से सलाइवा भी आपका जो जितना आप जाना चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं जा पाता तो आप देखते हैं जो रूमेन का पीएच है वो आपका काफी डाउन हो जाता है जब डाउन होने की जाता है तो आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा आती है एसिडोसिस की प्रॉब्लम के साथ साथ आप देखते होंगे कि उसको दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है साथ में आपका लेमनेस की भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलती है इसके बाद हम बात करेंगे कि गब्बन की आ, की आपका जैसे आपका हीट स्ट्रेस होता है या ज्यादा पशु का गर्मी आता है जब ज्यादा पशु गर्मी में आता है तो उस टाइम क्या होता है बिल्कुल से ड्राई पशु की खुराक है वो बिल्कुल कम हो जाती, जब पशु की खुराक बिल्कुल से कम हो जाती या खाता, वो तो न, जितने requirement है पशु जितना तो आपका निगेटिव एनर्जी बैलेंस या निगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने लगता है पशु के अपने शरीर से एनर्जी तोड़ने लगता है जिस कारण से आप देखते होंगे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो आपका फंक्शन करना बंद कर देते या कम हो जाते हैं जब बॉडी के हार्मोन आपको कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे जो बॉडी के अदर आर आ, आ, जैसे कि ओबरी हो गई अंडे दानी हो गई बच्चे दानी हो गई इनका जो वर्क होता है वो बिल्कुल से कम हो जाता है जब बिल्कुल से कम हो जाता है तो आप इनको देखते होंगे जो आपको ग, तो उससे क्या होता है एनिमल साइलेंट हीट में चलते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कि एनिमल 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 बफेलो के केस में 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 ज्यादा होता है है साइलेंट हीट में जलता है। एनिमल हीट जलता मतलब आता पर आप, आपको पता नहीं चलता वो यही रीजन होता है कि जैसे गर्मी आता जो जितने हार्मोन एक्टिव होना चाहिए या जितने काम करना चाहिए वो हार्मोन उतने काम नहीं कर पाते जब हार्मोन उतना काम नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे आपको रिप्रोडक्शन का इशू आपका गर्मियों में आपका बढ़ जाता है अब सबसे जरूरी बात है कि हमको आखिर प्रॉब्लम होती क्या है मतलब कि हीट स्ट्रेस है आखिर हीट स्ट्रेस से हमें क्या क्या सबसे बड़ी बात है कि क्या नुकसान हो सकते हैं या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है या कितना नुकसान हो सकता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले देखे तो जो उसका खुराक है जो पशु का खुराक है जो कि फीड है आपका फोडर है या आपके तूड़ी है तो उनका पशु का ड्राई मेटर इंटेक सबको मिला के पशु का एक ड्राई मेटर होता है कि ड्राई मेटर इंटेक आपका सबसे पहला पंद्रह से तीस परसेंट पशु का ड्राई मेटर इंटेक कम हो जाता है जब पशु का ड्राई इनटेक कम हो जाता है तो क्या होता है उस कंडीशन में फिर पशु धीरे धीरे उसका पुड़ मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है आप देख रहे हैं पंद्रह से बीस परसेंट तक उसका दूध का प्रोडक्शन भी आपका कम हो जाता है इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रिपोडक्शन इफिशियंसी भी चालीस से पचास कम हो जाता है कि इस कंडीशन में क्योंकि ये इस कंडीशन में आपका 40 से 50 परसेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर इतना कम होता है तो इसका मतलब 50 परसेंट ही रेशियो रह जाता है आपको घब्बन के इसके साथ साथ आपको जो देखते होंगे जब सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो आप गर्मियों में आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि उस टाइम क्या होता है हीट स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है पशु को पशु बिल्कुल गर्मी मान, मानता तो क्या होता उससे इम्यूनिटी जो पशु की जो इम्यूनिटी होती है वो आपके धीरे 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 कम हो जाती है इम्यूनिटी होने कम होने के कारण से मेस्टाटिस के ज्यादा जा, चांस ज्यादा होते हैं साथ साथ उसके क्या होता है लेबनेस की चांस भी आपको बढ़ जाते हैं अगर हम यही एक इन केस आपका हीट -स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रेस के बाद अगर रेगुलेशन करें ये अपना हीट स्ट्रेस रेगुलेशन ये ऐप है हाँ जिसे फार्म पे एब्यूलेशन होता है या इवेल्यूएसन होता है कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर इन द केस कोई भी फार्म का एग्जाम्पल ले लें या कोई भी की एक पशु अगर एक पशु का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एनिमल है उसका अगर मिल्क प्रोडक्शन आपका जो प्राइस है उसका थर्टी रुपये लग रहा 30 है तीस रुपए साथ साथ जो उसका मिल्क का एवरेज है वो आपका बीस लीटर है तो उसमें 20 लीटर के हिसाब से और साथ में बॉडी वेट के हिसाब से जो ड्राई मेटर इंटेक बन रहा है वो आपका ड्राई मेटर इंटेक आपका 16 किलो एनिमल का बन रहा है 16 किलो के नर, आ, एनिमल का ड्राई मेटर बन रहा है और साथ में जो आ, नेट एनर्जी लक्टेशन है वो आपका 1.5 मेगा किलो कैलोरी है साथ में मिल्क फैट परसेंट है चार परसेंट है और अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें तो 3.1 परसेंट है ये आप डाटा फिल करने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर हम उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फिल करते हैं जो कि किट स्टेस में डिपेंड करता है कि अगर जितना आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगा टेम्परेचर इन द केस थर्टी है तो आपका डिग्री uh, सेंटीग्रेड पे और साथ में ह्यूमिडिटी 60 परसेंट है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो दूसरी स्लाइड है इसमें दूसरा पद की तरफ कि आपका जो हीट स्ट्रेस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है वो 32.7 परसेंट है जो कि आपका सीवियर स्ट्रेस में आता है मतलब आपने कि अगर 35 फाइव परसेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी 60 है तो आपका जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है वो 32.7 आपका आता डिग्री सेंटीग्रेड आ है वो कि सीवियर स्ट्रेस है अगर ये इसमें क्या होगा इसे आप देख सकते हैं कि जो ड्राई मेटर इंटेक है जितना आपको ड्राई मेटर इंटेक लेना चाहिए वो तो ना मान लो सिक्सटी किलो लेना चाहिए 16 किलो ड्राई मेटर लेना चाहिए तो उसमें क्या होता है एटीन एट ही वो ड्राई मेटर इंटेक ले पाएगा आप जो

1.9 आपका ड्राई आपका आपका कम हुआ या आप देख सकते हैं दो किलो का ड्राई ड्राईमीटर पूरे के पूरे तरह कम हो गया अब दो किलो ड्राई ड्राईमीटर आपका कम हुआ इसके साथ साथ आपके जो एनर्जी है एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपके टू पॉइंट इतना ड्राईमीटर में आपको टू पॉइंट एट मेगा किलो एनर्जी मिलनी चाहिए जो कि आपका थ्री पॉइंट अगर इतनी किलो एनर्जी आपकी कम हो रही है या आपको लॉस हो रही है तो उस कारण से जो दूध निकलना चाहिए था वो आपका थ्री पॉइंट एट दूध निकलना चाहिए था जो कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका उमस बढ़ रही है ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो आपका कैसे ड्राई मैटर पे और कैसे कैसे आपको ड्राई मैटर के साथ साथ उसके जो बॉडी कंडीशन स्कोर है या है कह सकते हैं उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका डाउन होता है मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है तो आप देख सकते हैं कि एक पर डे के हिसाब से पर पशु का आपका एक रुपए का लॉस होता है अगर बात करें अगर आपका सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है इन द अगर बात करें आपकी मंथ की तो आपको तीन हजार चार सौ छियासी रुपए और ह्यूमिडिटी बढ़ने से ही हो रहा है अब इसमें बात करें कि अगर आपका टेम्परेचर और भी बढ़ता है ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है तो आप ये देख सकते हैं एक तरफ आपका रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो कि आपका उमस को उमस को दर्शाता है या आपका जो आ, क्या उमस है और साथ में आपका एक तरफ आपका टेम्परेचर है कि टेम्परेचर को भी आपको दिखाता है आपको डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसमें देख सकते हैं कि आपका अगर इन द केस को आपके जो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपको 40, 50, 60, 70, 80, 90 की तरफ हो रहा है और साथ में जो आपका टेम्परेचर की बात करें तो 18 से लेकर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका बढ़ रहा है अब इसमें देख सकते हैं आपका चार कलर होते हैं पहला कलर ग्रीन है इसके बाद आपका येलो इसके बाद आपका हल नॉर्मल रेड इसके बाद डार्क रेड आता है तो सबसे पहले बात करें कि अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रेस थ्रिशोल्ड में आता है जो कि अगर आपकी बात करें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आपका सिक्सटी परसेंटेज की बात करें तो इस कंडीशन में अगर स्ट्रेस थ्रोशोल्ड की बात करें तो कि नॉर्मल अगर ह्यूमिडिटी भी है और नॉर्मल बॉडी टम टेम्परेचर भी है देख रख सकते हैं अगर 26 डिग्री तक आपका टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी अगर ज्यादा भी हो रही है इन द केस आपका 80 हो रही है या 90 हो रही है तब भी आप देख सकते हैं कि आपका आपका स्ट्रेस शोल्ड में आता इसके साथ साथ जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है और ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और साथ में ट्वेंटी से आपको बत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आप साथ साथ आप देख सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपकी धीरे 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 आपका बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका जब भी बॉडी टेम्परेचर होता है एनिमल के बॉडी टेम्परेचर अट्ठाइस डिग्री सेंटीग्रेड से बत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपकी बढ़ गई तो उस कंडीशन में आपको माइल्ड हीट माइल्ड मॉडरेट स्ट्रेस में पशु जाने लगता है इसके साथ साथ जब भी टेम्परेचर और बढ़ता है चौतीस डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है से चालीस डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है पर रूल ह्यूमिडिटी आपकी चालीस ही रहती है चालीस से जैसे जैसे बढ़ने लगता है पशु का पचास हो जाता है या सिक्सटी हो जाता है तब उस कंडीशन में आप देख सकते हैं पशु सीवियर स्ट्रेस में चला जाता है इसका मतलब ये है कि पशु का अगर आपका वो, हीट टेम्परेचर भी अगर आपका नॉर्मल है या टेम्परेचर ज्यादा है पर ह्यूमिडिटी नहीं है तो उस कंडीशन में भी पशु का सरवाइव कर सकता है पर आपके इन द केस अगर टेम्परेचर भी ज्यादा है और आपका साथ साथ उमस भी ज्यादा है तो उस कंडीशन में पशु सरवाइव नहीं कर सकता इन द केस यही बात कर ले अगर आपका स्ट्रेस थ्रोशोल्ड में अगर पशु है तो उससे क्या होगा आपका जो रिस्पाइरेशन रेट है जो सांस लेने की क्षमता वो वो साठ हो जाती है कि आपका सिक्सटी हो जाती है ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से साथ साथ जो ब्लड प्रेसर्स होती हैं जो खून का दौड़ान होता है वो भी काफी बढ़ जाता है इसके साथ साथ वो तो इंडिकेटर देने लगता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका धीरे धीरे आपका डाउन होने लगता है जो रक्टल तर, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है 30 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है इसके साथ-साथ बात करें अगर मिड मोडरेट स्ट्रेस की बात करें कि पशु अगर आपका ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है और साथ-साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया तो उस कंडीशन में देख सकते हैं रेस्पिरेशन रेट और भी आपका बढ़ गया रेस्पिरेशन रेट आपका बहुत बढ़ गया साथ में आपका जो रेक्टल uh, टेंपरेचर वो भी आपका बढ़ गया उनत, uh, 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और सलाइवा सिक्रेशन होता है जो आपका सलाइवा होता है बॉडी का वो भी आपका ज्यादा से ज्यादा निकलना चालू हो गया इसके साथ साथ आप इंडिकेटर देने लगता है एनिमल के जो आपका फूड इनटेक है ड्राई मटर इनटेक है वो आपका कम कर देता है पशु और साथ साथ जो पानी की कंजेप्शन है या पानी के खुराक को बढ़ा देता है यहाँ पे आपका मिल्क प्रोडक्शन आपका और साथ में जो आपका गब्बन का रेशियो है वो आपका स्लोली स्लोली कम होने लगता है आप सबसे पहले दूध आपका जाता है दूध के साथ साथ आपका धीरे 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 आपका ड्राई मेटर के साथ साथ आपका दूध दूध जाएगा दूद के साथ आपको सबसे बड़ी कंडीशन होता है जो मॉडरेट सीवियर स्ट्रेस में आता है जो कि आपके डेट में जो आपके ये अगस्त और सितंबर का मंथ होता है इसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है और साथ में टेम्परेचर भी होता है जब उमस होती है उमस के साथ साथ क्या होता है जो आपका थर, थर्मल हीट इंडेक्स है वो आपका बढ़ जाता है तो क्या होता है उसमें क्या होता है देखते होंगे पशु आपको ज्यादा गर्मी मनाता है क्योंकि उस कंडीशन में जितना ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उस कंडीशन में जो बॉडी से टेम्परेचर होता है या कह सकते हैं आपका जो बॉडी से अदर मेथड होते हैं निकलने के टेम्परेचर वो आपके कम हो जाते हैं जैसे कि रेडिएशन की बात करें जो बॉडी से टेम्परेचर निकलते हैं या कंडक्शन की बात करें तो ये सारी चीज कम हो जाता है पशु सिर्फ इवेपोरेशन मतलब होता है पशु सिर्फ आपको अपनी बॉडी से ठंडा करके कर, करके या कह कर सकते हैं या अपने मुंह से जो सा सांस लेके ही आपके बॉडी को कम कर सकता है अगर मॉडरेट में सकते हैं, ये आप जरूर देखें कि जो मॉडरेट वाले हैं उसमें आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो आपका बहुत कम हो जाता है वो आपका दूध का प्रोडक्शन भी और साथ में जो रिप्रोडक्शन है वो भी आपका बहुत कम हो जाता है इसमें जो आपका जो देखते हैं रेपिड रेपिड रिस्पाइरेशन हो जाता है मतलब पशु बहुत जल्दी ज्यादा ज्यादा सांस लेता है मतलब इन द केस पूरा गर्मी मनाता है पशु की आपको लगता है कि पशु पूरे तरह से आपका पशु हीट में है जितना पशु आपका हीट में होगा उतना गर्मी मनाएगा उतना देखिए आप देख सकते हैं पचासी एट्टी फाइव ब्रीड पर पर मिनट पर मिनट के हिसाब से पशु आपका हाँपने लगता है उससे क्या होता है जो सलाइवेशन होता है जो लार होती है वो पशु का आपके ज्यादा निकलती है और साथ साथ जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ देता है देख रखते आपके चालीस डिग्री सेंटीग्रेड तक, से तक पशु का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है पशु उस कंडीशन में बेरी मतलब बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता वो अपने आप को उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाता

पशु का अगर आपको वेंटिलेशन भी अच्छा रखना है साथ में पशु जैसे-जैसे आपका उमस बढ़ती है, तो आपको उमस के में को अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें अगर पशु को होते तो हम मैनेज कर, कर सकते हैं मैनेज करने के लिए हमको हीट स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि या तो आपका इन द केस आपकी इन द फार्म मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या एनिमल और आपके जो भी हैवी हैबिट है वो कैसे एनिमल की मतलब आप चेंज करवा सकते हैं या अपनी फार्म की फीडिंग की हैबिट कैसे चेंज करा सकते हैं फैन कैसे लगाना चाहिए आपको और साथ में फॉगर कैसे यूज करना चाहिए आपको वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए ये सारी चीजें आपको देना चाहिए कौन सा फीड ऐसे देना चाहिए या ऐसा कौन सी फीड होनी चाहिए जो आपको हीट स्ट्रेस को बचा सके सबसे बात करें अगर आपको हीट स्ट्रेस मैनेज करने के लिए तो हम दो तरीके से मेजर मैनेज करते हैं सबसे पहले आपका फार्म मैनेजमेंट आपके जो मैनेजमेंटल अप्रोच होते हैं उनसे आप हम बैलेंस कर सकते हैं दूसरा होता है जो आपके न्यूट्रिशनल अप्रोच होते हैं जो कि आपके खान खुराक या आपके जो फीड खिलाते हैं या आपके जो भी फोडर खिलाते हैं वो आपको कैसे देना चाहिए जिस कारण से वो आपको मोस्टली आपको मैनेज करते हैं सबसे बात करें अगर पहले फार्म मैनेजमेंट की मैनेजमेंटल uh, सबसे पहले तो आपके शेड तो से होने जरूरी है क्योंकि अगर से आपके रहते हैं, तो उसमें से जो बॉडी टेम्परेचर होता है अराउंड एक से डेढ़ सेंटीग्रेट तक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है शेड में सबसे जड़ी जो बात होती है आपके वेंटिलेशन भी होना चाहिए वेंटिलेशन के साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो हाइट होती है शेड की हाइट वो भी आपको जो सेंटर में होती है और साथ में जो साइड में है वो भी आपकी आ, हाइट जितनी हाइट अच्छी होगी ऊपर होगी उतना ही ज्यादा वेंटिलेशन होगा उतना ही पशु स्ट्रेस कम मनाएगा क्योंकि क्या होता है उससे जो आपकी रेज आती है या सन रेज आती है वो आप तो रिफ्लेक्ट होती है साथ साथ जो गैप होता है या हाइट होती है उस कारण से जो वेंटिलेशन होता है जो हवा का दौरान होता है वो भी आपका पड़ जाता है ये तो फार्म आपका जो थोड़ा है, वो आपका सिर ठंडा होता है दूसरी बात करें मिल्किंग टाइमिंग की मिल्किंग टाइमिंग और साथ में आ, साथ में फीडिंग की बात करें तो आप मोस्टली मिल्किंग के टाइम में आपको जितने भी आपके आ, हीट गर्मी के टाइम आता है तो आप अर्ली मॉर्निंग या लेट यूनिंग आप करवा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में आप आठ बजे से पहले आप जितने भी है उसमें से आपका मिल्किंग भी कर सकते हैं उसके साथ साथ आपको फीडिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि जितना आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना ही आपको एनिमल स्ट्रेस कम बनाएगा स्ट्रेस कम बनाएगा तो ड्राई मेटर इनटेक भी पशु ज्यादा खाएगा पशु खुराक आपकी ज्यादा से ज्यादा खाएगा अब आप दिन क्योंकि क्या होता है मोस्टली होल डे एनिमल इतना स्ट्रेस में होता है अपने बॉडी स्ट्रेस में होता है तो उस कंडीशन में आपका एनिमल इनटेक नहीं कर पाता है अगर यही बात करें आपको शाम के टाइम की तो उसका आपको जो क्योंकि तो, रात में मौसम काफी थोड़ा ठंडा हो जाता है जिस कारण से एनिमल का ड्राई मेटेल इंटेक रात में भी बढ़ जाता है जिससे पशु रात में भी ज्यादा खाते हैं इसके साथ साथ बात करें जो आपके जो टी एम आर होता है जो आप मिक्सिंग कर रहते हैं मिक्सिंग करते हैं उसकी भी आपकी जो आपकी प्रॉपर करना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना चाहिए इन द केस आपका अगर दिन में एक बार डाल रहे हैं पहले डालते थे आपका ठंडी के टाइम में तो इस टाइम आपको दो बार से तीन बार तक आप उसको कर सकते हैं अगर कोई होल्ड डे में एक टाइम डाल रहे हैं या एक ही टाइम टीएमआर कर रहे हैं तो नंबर आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें पूछ सब करने की आपकी फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा दें या आपको सिम सिम कर रहे हैं इसके साथ साथ जो फैन हो फैन से होते हैं फैन आपके पूरे आपके फैन होने चाहिए साथ में फैन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए अगर आप एक डायरेक्शन में फैन एक ही डायरेक्शन में आप फैन लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि सारे के सारे एयर जो है वह एक तरफ से शेड पे आती है और दूसरी तरफ सारी एयर आपको निकल जाती है क्योंकि एयर फ्लो आपका पूरी तरह बना होता है इन द केस अगर आप फैन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं एक इधर लगा दिए आप और एक इधर लगा दिए तो उससे क्या होता है आपके जो जो वेंटिलेशन होना चाहिए आपका जो है एयर होती है वो आपकी पूरी निकल नहीं पाती है आपके स्प्रिंकलर करना चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनिमल को आपका अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग आपको भिगोना चाहिए उससे क्या होता है पशु का आपका थोड़ा ठंडा होता है जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आपका डाउन होता है इसके साथ साथ जो आपको वाटर केविलिटी या पानी की आपको फ्रेश ठंडा पानी फ्रेश पानी और साथ में आपका अवेलेबल होना चाहिए ऐसा नहीं होता कि पशु का पानी अवेलेबल ना हो क्योंकि उस टाइम आपको और ड्राई मटर के साथ साथ आपको पानी भी आपकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है और साथ बात करें तो अगर ओवर क्राउडिंग होते जो पशु क्या होता है ना स्पेस कम होता है जिस फार्म पे आपके वहां पे स्पेस है दस एनिमलों की और एनिमल आपके चार से पंद्रह से बीस रखे हैं एनिमल को आपको स्पेस नहीं है वहां पे आपको प्रॉब्लम आपको ज्यादा होती है सो उस कंडीशन में आप वहाँ पे ग्रुपिंग करवा सकते हैं कि जो आपके हायर एनिमल मिल्किंग है जिनके ज्यादा दूध हो रहा है तीस से पैंतीस लीटर दूध हो रहा है उस कंडीशन में आप वहाँ पे उनको ग्रुपिंग करा सकते हैं इसके साथ साथ वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्यों उन द केस जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता वहाँ पे उमस आपके ज्यादा बनती है अगर उमस ज्यादा बनते हैं तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं उमस बनने से क्या होगा आपके जो एनिम, एनिमल एनिमल्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं दूसरी बात करें अगर न्यूट्रिशनल अप्रोच की वो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे पहले पहले बेसिक चीज है कि आपको उस टाइम एनर्जी डाइट एनर्जी डाइट पे ज्यादा फोकस करना है बाईपास न्यूट प्रोटीन और या बाईपास स्टार्च उस उसपे आपको ज्यादा फोकस करना है साथ में कुछ ए, एंटी है है उनपे भी फोकस करना है अगर हम बात करें जो इंडिया कंडीशन की बात करें या आपके पंजाब में बात करें या आप तो या आप फैंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फैन एक सारे के सारे आपका एक डायरेक्शन में होता है इससे आपका क्या होता है आपका टाइमिंग इसका बहुत जरूरी होता है कि कुछ लोग का आपका होल्ड डे चलाते हैं कुछ आपका दोपहर में चलाते हैं कुछ लोग आपका रात में चलाते हैं पर नॉर्मल की सबसे जरूरी होता है फैन से आपको रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपका बेंट आपका उमस आपकी फार्म पे बहुत ज्यादा होती है तब तो उस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्वेंसी होती है फैन की या कह सकते हैं है, फैन की जो टाइमिंग होती है वो आपकी बढ़ जाती है पर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो आपके फैन उसकी होती है तो फैन आपके आ, कुछ फार्मर्स होते हैं कि आपका फॉगिंग के साथ फैन करते हैं कि मतलब आप फॉगर भी चला रहे हैं साथ में फैन भी चला रहे हैं पर आपका बेस्ट ये होता है कि आपका कुछ टाइम मतलब इन द केस अगर आप पंद्रह मिनट आपका फैन चला रहे हैं तो आप पांच मिनट या दस मिनट तक पांच मिनट तक आप फॉगिंग कर सकते हैं या पानी को बिलोगो सकते हैं वो आप हम इससे क्या होता है एनिमल का क्या होता है वेंटिले जो आपका फार्म का टेम्परेचर भी मेंटेन रह सकता रहता है और साथ साथ एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है अगर फार्म का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ी देर फार्म, फार्म फैन बंद भी कर देते हैं अर्ली मॉर्निंग या थोड़ा इवनिंग में तो आप उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो भी आपको बेस्ट होता है पर इन द केस आपको फोकस करना है कि जो हीट स्ट्रेस में जितने भी एनिमल हीट स्ट्रेस में अब आपके मे जून जुलाई उसमें आपको जितना फैन चला सकते हैं उतना बेटर रहता है क्योंकि क्या होता है

दूसरी बात करके अगर फोगर की बात करके आपका फोगर की है कि आपका तो उस में आप देख सकते हैं जब भी आपका, आपका यूज होना चाहिए डायरेक्ट बॉडी पे आपका बॉडी पे आपको डायरेक्ट वाटर डालता है तो उससे क्या होता है पानी आपके पूरे बॉडी में जाता है जिस कारण से एनिमल जो बॉडी कोर टेम्परेचर होता है जो एनिमल का बाहरी सरफेस होता है तो वो बिल्कुल आप धीरे 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 जो टेम्परेचर होता है वो आपका काफी कम हो जाता है जब कम बॉडी बीट कम बॉडी बीट आपका धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है जो पशु आपके हीट स्ट्रेस से आपका कम हो सकता है इसके साथ साथ हम बात करें कि अगर आ, इंडोर फॉगिंग की कुछ लोग कुछ कस्टमर कुछ फार्मर्स इंडोर फॉगिंग भी यूज करते हैं कि आपका इन द केस स्प्रिंकलर के अलावा साथ साथ आपके फॉगिंग फॉगर होते हैं फॉगर में उस कंडीशन में आपका ज्यादा हेल्प करता है जहां पे आप देख सकते हो जब आपका उमस नहीं होनी चाहिए वहां पे ह्यूमिडिटी अगर आपकी है तो आप फॉगिंग का यूज नहीं कर सकते वहां पे आप डायरेक्ट फिर स्प्रिंकलर का ही यूज करें तो वो आपके लिए बेटर होगा इन द केस अगर फॉगिंग में यूज करते हैं तो आप देखते हैं आपका ह्यूमिडिटी उमस के टाइम में जैसे जुलाई की बात करें या अगस्त की बात करें या सितंबर की बात करें उसमें इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इतना उमस होती है तो आप अगर फॉगिंग का यूज करते हैं उसका टाइम तो आप उस टाइम फैन का यूज करें या स्प्रिंकलर का यूज करें तो वो आपके लिए बेटर होगा उससे क्या होगा एनिमल आपको ज्यादा एनिमल हीट स्ट्रेस कम मतलब आ, मनाएगा उससे आपका पशु एनिमल कम होता आ, कुछ साथ-साथ तो, फैन के साथ-साथ तो आपको ब्लोअर फैन भी यूज करते हैं ब्लोअर फैन से आपको देखते होंगे कि ब्लोअर से आपको डायरेक्ट साथ-साथ स्प्रिंकलर आपका एयर भी देते हैं साथ में आपको तो आप वो भी आप यूज करवा सकते हैं या उसके लिए बेटर भी होता है अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इन द केस आपको अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपका अगर ओपन सेड में है किसी भी एनिमल पे जो ओपन सेड पे है और जो आपका क्लोज सेड पे है आप नॉर्मल में भी अगर कोई भी एनिमल विदाउट सेड है अगर एनिमल बाहर बैठा हुआ तो ऑलरेडी उसका जो बॉडी टेम्परेचर आप देख सकते हैं क्योंकि क्या होता है ना जो सन रेज आती है तो डायरेक्ट आपके शेड पे आती है शेड से क्या होता है ना आपका जो रेडिएशन होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं पर जब आप सन शेड नहीं है तो डायरेक्ट सन रेज जो है एनिमल पे बॉडी पे पड़ती है जब एनिमल पे बॉडी पे पड़ेगी तो क्या होता है उससे जो बॉडी पेम्पर

इसके साथ साथ हम आप न्यूट्रिशन की बात करें अभी हम फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो फार्म मैनेजमेंट में अभी आप सबने देखा ही कि आपको और फीड फैन की फैन करना चाहिए फैन की डायरेक्शन एक कैसे होना चाहिए आपको टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और आपके साथ में फॉगर फौक, अगर यूज कर रहे हैं तो जब हीट स्ट्रेस ज्यादा हो नॉर्मल ह्यूमिडिटी कम हो तब उस टाइम आप फॉगर यूज कर सकते हैं पर इन द केस अगर आपको ह्यूमिडिटी उमस ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप जितना से ज्यादा स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं वो स्प्रिंकलर आपके डायरेक्ट बॉडी में पानी डालता है जिस कारण से क्या होता है ना आपके जो बॉडी सर्फेस होता है पशु के बॉडी सर्फेस वो आपका धीरे धीरे आपका

या आपके मट कोई चीज पचाने से जो भी तो आपका टेम्परेचर बन रहा है तो उसको आप कम करने के लिए भी आपका न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है उससे आपको उससे आपको कम सकते हैं एक होता कि पशु के जो बॉडी में वो भी हेल्प करता है बॉडी से जो टेम्परेचर आपके जो निकल रही है रेज निकल रही है कह सकते हैं जो बॉडी से आपके जो एनर्जी निकलनी चाहिए या बॉडी से जो आपका कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू या इवोपोरेशन के थ्रू उसमें भी न्यूट्रिशन काफी हेल्प करता है साथ साथ जो हीट स्ट्रेस है हीट स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका न्यूट्रिशन उसमें आप देख सकते हैं कि जो हीट स्ट्रेस में उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है आप उसमें से बैलेंस कर सकते हैं अगर बात करें न्यूट्रिशन एंड हीट स्ट्रेस की बात तो उसमें दो चीज पे काम करना चाहिए सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन एंड हीट मैनेजमेंट में एक तो आपका जो फर्मेंटेशन होता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी जो फर्मेंटेशन करता है जो पशु जुगाली करता है जुगाली के टाइम में जो एनर्जी लगती है या कर सकते हैं कि पशु को जब जुगाली करते हैं उस टाइम जो पचाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम कैसे कर सकते हैं पचाने के लिए हम आपका हमेशा गर्मी में फोकस रखना चाहिए आपको जो आपका कंसनट्रेट का बात करें अगर फीड कंसनट्रेट की बात करें या आप कह सकते हैं फोररेज की बात करें तो, तो उसका रेशियो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस रखना होता है इन द केस अगर आपका ड्राई मैटर इंटेक का आपको कभी भी पचास परसेंट से ज्यादा आपका रेशियो नहीं देना चाहिए इन द केस अगर पचास परसेंट से आपको फीड का रेशियो आप ज्यादा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो वो आपका फर्मेंटेशन है ये कर सकते हैं आपका और फीड में भी आपकी जो क्वालिटी होना चाहिए आपकी जो डाइजेस्टिबल फाइबर की क्वालिटी होती है वो आपको ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितना डाइजेस्टिव फाइबर या पचने वाला फाइबर होगा उतना ही ज्यादा पशु आपका जल्दी पचाएगा छेती पचाएगा छेती पचाएगा पशु तो आपका ज्यादा से ज्यादा पशु आपका एनर्जी उसमें कम लगेगी जितना पशु लेट से पचाएगा उसमें उतने ही ज्यादा एनर्जी आपकी लगती है पर उसमें आपका जो आपका फॉरेज का रेशियो है आपको उसमें आपको मिनिमम रख, रे, रेशियो रखना पड़ता है इतने परसेंट तक आपका रखने पड़ता है जिससे रूमन भी आपका फंक्शन कर सकते हैं इसके बाद जो आपका हीट स्ट्रेस जो मेटाबॉलिज्म हीट है आपके फर्मेंटेशन के साथ साथ जो बॉडी के इनर सेल में होता है जो अंदर की बात करें जो खून के दौरान में एनर्जी लगती है या कह सकते हैं आपका तो उस कंडीशन में जितना भी आपके बाईपास फैट हो सकते हैं आप उस टाइम बाईपास फैट यूज कर सकते हैं जो इनर फैट होता है रूमन इनर फैट होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ जो आपका ग्लूकोज जो आता है जैसे आप गैलेक्सोट की बात करें तो वो भी आपका डायरेक्ट आपका एनर्जी देता है इसके साथ साथ बाईपास स्टार्च की बात करें जो आपके रूमेन में फर्मेंटेशन ना हो के आपके स्टार्च में बाईपास स्टार्च या बाईपास प्रोटीन होता है उस पर आपको कर, यूज करके उससे जो आपके जो इंटरनल मेटाबोलिज्म आपका हीट स्ट्रेस है उससे आप बच सकते हैं और हीट रिस्प्रेशन की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपका उस टाइम आपका क्लीनिंग आपका जो आपका वाटर होना चाहिए या आपका पानी होना चाहिए वो आपका बेटर से बेटर होना चाहिए आपको ज़्यादा होना चाहिए साथ साथ जो आपके सेड्स से हैं या कह सकते हैं फ्रेश एयर की बात करें वो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि सेड्स होना चाहिए आपके वो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए सही पानी होना चाहिए स्प्रिंकलर होना चाहिए फैंस होने चाहिए साथ साथ कुछ ऐसे आपके एडिटिव uh, होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं जैसे आपका नियसिन होता <coughs> अब सबसे ज्यादा जरूरत है कि आ, हीट स्ट्रेस से कैसे बचे हीट स्ट्रेस में आप देखते होंगे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो फूड डाइट में थोड़ा आ, गर्मी जब भी गर्मी आती है तो उस टाइम आपको थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं या फीड में भी है या पैलेट फीड है तो पैलेट फीड भी आपका डायजेस्ट आपका कम से कम एनर्जी निकलता है इन द केस आपका होम मिक्स की बात करें तो होम मिक्स उसमें डाइजेस्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है आपको जो एनर्जी का लेवल है वह एनर्जी का लेवल आपको बढ़ा देना चाहिए एनर्जी का लेवल जब भी बढ़ेगा तो उसमें आपका आपका एनर्जी के साथ साथ आपका जो प्रोटीन होता है वो आपका बढ़ा जाना चाहिए उससे साथ साथ आपके जो मिनरल्स होते होते हैं या होते हैं या वो भी आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए गर्मी के टाइम में उससे क्या होता है जो की प्रोटीन है या उससे क्या सकते हैं जो आपका हेल्प होती है जो डाइजेशन के लिए हेल्प होती है साथ साथ आपको इष्ट भी यूज करना चाहिए गर्मी के टाइम में आप देखते हैं क्योंकि तो इष्ट क्या होता है जो आपके माइक्रोफ्लोरा होता है जो कीड़े होते हैं आपके जो रूमन के उनकी संख्या बढ़ा देते हैं जब आप संख्या बढ़ जाते तो उससे क्या होता? आपको जादा से जादा जो होता है आपके वो आपके ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपको पचते हैं जब फाइबर आपको ज्यादा पचते हैं तो उसे आपको ईष्ट के कारण से फाइबर आपको ज्यादा पचते हैं तो उस कंडीशन में आपको ईस्ट का यूज बहुत ज्यादा जरूरी होता है गर्मियों के टाइम में साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो आपका आपका जब पशु स्ट्रेस में होता है या गर्मी ज्यादा मनाता है तो आपका स्वेटिंग करता है ना स्वेटिंग मतलब होता है वो अच्छा सलाइवा होता होता जो लार होता है वो बहुत बहुत ज्यादा निकलते तो उसमें बहुत सारे जैसे आपके होते हैं ड्राई मेटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं वो आपके निकल जाते हैं अगर बात करें सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें या क्लोराइड की बात करें तो उस टाइम आपको उसको नमक वगैरह यूज करके या आप नमक भी बैलेंस कर सकते हैं गर्मी के टाइम में आप नमक यूज करेंगे तो आपको

उस कंडीशन में आप जब भी एनिमल स्ट्रेस में होता है तो साथ साथ आपको जेर का रुकना बहुत ज्यादा हो, हो जाता है कि पशु का जो आरोपी की प्रॉब्लम है जेर की वो भी आपकी बहुत बढ़ जाती है उस कंडीशन में बचने के लिए भी हमको करना अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल मिल्किंग में उस टाइम आपका एक तो आप नमक एड कर सकते हैं दूसरा आपका रूमिकॉन या कह सकते हैं बफर आप यूज करेंगे तो उससे आपका एसिडोसिस की प्रॉब्लम आपको कम से कम आपको आएगी तो हम डिस्कशन कर रहे थे दो चीजों पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं तो एक आपका फार्म मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं दूसरा आप न्यूट्रिशनल से मैनेज कर सकते हैं फार्म फार्म मैनेजमेंट है हम आ, में फैन से आपके फैन का फैन होना चाहिए आपके फैन का डायरेक्शन होना चाहिए सेम सही जगह पे और साथ में उसकी जो दिन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि कितने टाइम में क्या कितनी ह्यूमिडिटी होती है तब कितना चलाना चाहिए साथ साथ हम डिस्कशन करें कि स्प्रिंकलर है जब भी आप फीडिंग करें या जब भी आप मिल्किंग करें तो आप उस टाइम स्प्रिंकलर का यूज करें उससे क्या होता है पशु का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका काफी डाउन हो जाता है साथ साथ हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपका जो फॉगर होता है फॉगर की बात करें तो आपका जब भी टेम्परेचर

का कर सकते हैं जो बाईपास है आ, एनर्जी होती है वो आप यूज कर सकते हैं या फाइबर होता है, ड्राई की बात करें तो अपना जैसा ट्रांजिशन मिक्स का हो वो आपका बहुत अच्छा होता है जिस कारण से आपको वो आप बैलेंस कर सकते हैं <coughs> अब हम फीडिंग की बात करें कि तो आपका फीडिंग आपका कैसे कर सकते हैं क्या मतलब कैसे करना चाहिए मतलब आप देख सकते हैं एक तरफ आपका टीएमआर एक तरफ आपका नॉर्मल आपका टीएमआर नहीं है तो आपका जो टीएमआर है टोटल मिक्स राशन वो आपका जितना ज्यादा हो सकेगा मतलब जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे पशु को अचार को साइलेज को टूड़ी को फीड को जितना अच्छा मिक्स करके पशु को देंगे तो उससे क्या होगा आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम कम से कम आएगा पशु पशु ज्यादा से ज्यादा खाएगा पशु का जो एनिमल का आपके हीट स्ट्रेस की बात करें आपको वो आपका रिड्यूज होगा साथ साथ जो लेमनेस की प्रॉब्लम आती है जो लंगड़ापन की प्रॉब्लम आती है वो भी आपको कम से कम आएगी और इस कंडीशन में क्या होता है पशु को आप देख सक, देखते हैं कि पशु का क्या होता है ना उससे आपका जो गर्मी में फैट और एसनप का इशू आता है या ग्रेविटी का इशू आता है तो आप जितना अच्छा टीएमआर करेंगे मिक्सिंग करेंगे उससे क्या होता है जो आपका फैट क्या होता है जितना अच्छा टीएमआर करेंगे तो उससे क्या होता है जुगाली आपको अच्छी हो जाती है जब जुगाली अच्छी हो जाती है तो आप उसके कंडीशन में आपको जो फैट और स्नप की बात करें वो आपको कम से कम प्रॉब्लम आपको आती है और सबसे बड़ी बात है कि उसको आपका मोस्टली क्या होता होता है है ना आपको ये अर्ली मॉर्निंग जो शुबे, जो सुबह सुबह का टाइम होता है, उस टाइम आपको देना चाहिए जैसे छह से आठ बजे तक आपको दे देना चाहिए और, वो, और साथ में अगर शाम की बात करें तो लेट इवनिंग आपको मोस्टली देना चाहिए छह से आठ बजे आपको छह से आठ बजे तक आपको देना चाहिए साथ में अगर गर्मी क्योंकि क्या होता है दिन में हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो दिन में जब हीट स्ट्रेस ज्यादा होता है तो पशु का इंटेक कम हो जाता है जब पशु खुरा कम खाता तो आपको उस टाइम आपको करना चाहिए या पशु धीरे धीरे खाता है तो आपको कुछ हिस्सा आपको देना चाहिए पांच टाइम मतलब तीन से पांच बार करना चाहिए उसको क्या होता है हर बार थोड़ा थोड़ा डालेंगे उससे क्या होगा एनिमल को लगता है कि कुछ चीज फ्रेश आया तो एनिमल इंटेक आपको ज्यादा से ज्यादा करता है तो ये सारी चीजें आपको मतलब फोकस करना टीएमआर पे अच्छी तरह करें करें मतलब टोटल आपको फीड की बात और साथ में आपका आचार की बात करें और साथ में, में आप तुड़ी की बात करें या हरा चारा की बात करें तो आपको प्रॉपर मिक्स करके आपको दे सकते हैं साथ साथ आपको इसके साथ साथ आपको फीड बंक भी आपको चेक करना चाहिए कभी-कभी क्या होता है फीड बंक आपको उतना प्रॉपर आपको नहीं होता क्योंकि फीड बंक की बात करके उसमें फंगस लग जाता है कि फंगस आपका नीचे उल्ली लग जाती है तो आपको उल्ली आपको क्लीन करके आप फीड बंक का जितना क्लीन होगा और साथ में जितना आप फ्रेश डालेंगे उतना ही आपको बेटर से पशु बस आपको ज्यादा से ज्यादा पशु इनटेक करेगा और आपको साथ-साथ क्योंकि क्या होता है गर्मी में अगर फंगस लग गया उल्टी के चांस ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा आपका दूध की भी क्वालिटी उतना बेटर नहीं हो पाती साथ साथ जो गब्बा एबॉर्सन के चांस होते हैं जो एबॉर्सन के चांस होते हैं वो आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ हम बा, बात करें जो आपके ग्रीन फोडर की बात करें अगर इन द केस कभी इन द केस आपको आप गर्मी के टाइम में अगर गिनी है या आपका ग्रीन चरी है या ग्रीन कॉर्न है ये सारी चीजें अगर आपको मिलती है तो उस कंडीशन में आपका यूटिलाइजेशन अगर गर्मी में करते हैं तो आपको उसकी डाइजेस्टेबिलिटी आपको बढ़ जाती है उसे डाइजेस्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है पशु जो इनटेक होता है वो आपका इनटेक आपका काफी ज्यादा इनटेक करने लगता है पशु या ज्यादा पशु इनटेक खाने लगता है तो आपको फोकस रखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा पशु का ड्राई मैटर इनटेक आपको कम नहीं होने देना पशु को ड्राई मैटर इनटेक पे ज्यादा फोकस करना ही करना है डायमीटर अगर कम नहीं होगा तो पशु का प्रोडक्शन भी कम से कम टूटेगा आपका दूध का रेशियो भी आपका कम से कम डाउन होगा साथ साथ करेंगे कर पानी की बात करें पानी आपको बिल्कुल आप सब आ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी के टाइम में कि आपका आ, इतना नेसेसरी है कि आपका इसके विदाउट आप काम नहीं चला सकते क्योंकि जितना अच्छा क्योंकि, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक लीटर दूध बनने के लिए साढ़े चार से पांच लीटर पानी आपका रिक्वायरमेंट होती ही होती है और साथ साथ इसके साथ साथ बॉडी जो अपने खुद के बॉडी को रिक्वायरमेंट के लिए भी अलग से चाहिए होता है तो उस कंडीशन में आप पानी की बहुत जरूरत होती है पर इंद समर में विंटर में तो आपका रिक्वायरमेंट है पर साथ में समर में तो आपको गर्मियों के टाइम में तो पानी बहुत है अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे देखो खाली होनी चाहिए जो खुरली आपका बिल्कुल आपका वाटर टैंक बिल्कुल खाली है गर्मी के टाइम में पर इससे क्या होता है एनिमल बहुत साइलेंट मतलब हीट में मतलब चला जाता है पशु हीट स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चला जाता है और आपका बिल्कुल गंदा भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बिल्कुल गंदा है पशु क्योंकि क्या होता है अगर गंदा होता है तो पशु अपना उतना ही इनटेक कर पाता है जितनी उसको जरूरत होती है इन द केस एनिमल खुल के पानी नहीं पी पाता जितना उसको खुल के पीना चाहिए तो पशु उतना खुल के आपको नहीं पी पाता तो आप एक फोकस रखना आपको कि आपका पानी अवेलेबल होना चाहिए गर्मी में जितना हो सके और फ्रेश और क्लीन वाटर होना चाहिए क्लीन आपको पानी होना चाहिए अब इसके बात बात करें अभी हम मोस्टली बात कर रहे, रहे थे टीएमआर की बात कर रहे थे कि टीएमआर कैसे होना चाहिए कितना होना चाहिए तो अब उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी की बात कर सके अगर हम एक बार एक पूरे दिन में बहुत सारे अलग अलग आपके थॉट्स होते हैं कुछ कस्टमर अलग अलग होते हैं मगर जो एक बेस्ट रिकमेंडेशन होता है कि आप ये डाल सकते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग से छः से आठ सुबह है शाम की बात करें जैसे शाम के आपको छः से आठ है छह बजे से लेकर आठ बजे तक तो उसमें क्या होता है बहुत सारे कस्टमर सुबह डाल देते हैं फिफ्टी परसेंट जो ड्राई मटर का इन द केस ड्राई मटर का आपका फिफ्टी परसेंट सुबह डाल दिया है फिफ्टी परसेंट शाम अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में कुछ कस्टमर होते हैं जो कि जो बेस्ट रिकमेंडेशन है कि अर्ली मॉर्निंग में इन्म, इन्म इन्म अच्छा कर जाता है फ्रेश फ्रेश तो सिक्सटी जो पूरे दिन की खुराक है वो साठ परसठ साठ परसेंट हिस्सा आपको वो सुबह डाल देते हैं और साथ में शाम के चालीस परसेंट हिस्सा शाम के डालते हैं पर जहां पे सेड अवेलेबल है या प्रॉपर कंडीशन है जहां पे एनिमल ड्राई किलोमीटर घंटे रात में ज्यादा उठाते हैं पशु ज्यादा खाते हैं वहां पे आप जो सुबह का रेशियो है वो आपका 40 परसेंट रख सकते हैं और रात का रेशियो आप 60 परसेंट तक कर सकते हैं जिससे क्या होता है पूरे रा, पूरे रात या होल डे नाइट एनिमल आपको ज्यादा से ज्यादा आपका खाता है। अगर टी की बात करें जो पूरा टोटल मिक्स राशन है तो उसको आपको अगर सौ परसेंट डाल रहे हैं पूरा दिन का तो आपको मॉर्निंग में डालें तो आपका अर्ली मॉर्निंग और साथ में दिन में उसको तीन से चार पांच बार उसको उसको पुशअप करें तो आपकी ये बात हो गई अब हम ओवरऑल बात डिस्कशन करें साथ साथ इसमें आपको बहुत सारी चीजें होती है कि हमको फोकस रखना है कि फार्म मैनेजमेंट पे और साथ साथ आपको फार्म मैनेजमेंट के साथ साथ आपको फोकस रखना है कि आपका कितना आपको आप आ, कर सकते हैं कि आप मैनेज कैसे कर सकते हैं तो यह समरी थी कि आपका जो बेस्ट है कि आपको एनिमल को हीट स्टेट से बचाने के लिए एक तो आपको फोकस करना है कि फार्म मैनेजमेंट कैसे करना है दूसरा फोकस करना है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या खान खुराक कैसे फोकस करना है तो फार्म मैनेजमेंट के लिए आपने देखा कि आपको सेड भी होना चाहिए आपको आपका स्प्रिंकलर भी होना चाहिए और उसका टाइमिंग भी बहुत जरूरी होता है कि किस टाइम और कितना आपको एनिमल को देना चाहिए इसके साथ साथ आपको आ, ये भी जरूरी होता है कि एनिमल का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें कि कितना जरूरत है वो भी आपको होना चाहिए सोहेल हाँ बोलिए आ, कोई क्वेश्चन है क्या कस्टमर के कोई भी क्वेश्चन हाँ दो क्वेश्चन है अच्छा आ, एक तो ये है कि और शेड में अगर फॉगर लगाते हैं तो फ्लोर पक्का करना पड़ता है बट पक्का फ्लोर से और फ्रेश एनिमल को प्रॉब्लम होती है इसको हाँ, कर पक, अगर आपका पक्का फ्लोर है तो जब यूज करते हैं तो अगर आप यूज कर रहे हैं है, तो क्या होता है जो खुर होते हैं सॉफ्ट पड़ जाते हैं उससे आपका जो उससे लेमनेस के चांस भी आपको ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आप उतना मिनिमाइज यूज करें या आपका जो मॉर्निंग के टाइम में फीडिंग के टाइम ही यूज करें तो आपको बेटर होता है एक और क्वेश्चन है अः कि गाय के थन में काले रंग के मसे हो गए हैं तो इसका क्या उपाय हो सकता है नहीं सोल मसे बहुत सारी चीज़ें होता कि मसे आपका कभी कभी क्या होता है गर्मी गर्मी का टाइम जब भी आता है तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे आपको मक्खी मच्छर भी ज्यादा आ जाते हैं उस कंडीशन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है पर अगर आपको नॉर्मल मसे यूज करना कि आपका तो थूजा आता है थूजा आप यूज कर सकते हैं उससे भी आपको मसे आपको आराम से जा सकते हैं okay. 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 तो, ओके सुल फिर थैंक यू फिर दोबारा मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कारगिल परिवार की तरफ से और अपना ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें इस कठिन घड़ी में ओके थैंक यू जैन